समर अहमद वल्द बशीर अहमद बाईवज हक महर 20 लाख रुपए तिक्का और राजुल वक्त नकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये नकाह कबूल है? आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अल्लाह ताला सब खैर करेगा और आप देखिएगा नीता के नसीब भी बहुत अच्छे होंगे। क्या करूं बेटा, दिल बहुत सहमा हुआ है, किसी पर एतबार करने से डरता है। आंटी आप रोएं तो मत। चलें जी दुआ कर लें। खैरिये काजी साहब, एक निकाह और पढ़वा दीजिए। सिकंदर बेटा आओ। अपने दोस्त को स्टेज पे लेकर चलो। चलो बेटा। कारी साहब, मेरी एक और बेटी भी है जिसे मैं इतनी ही मोहब्बत और दुआओं के साथ रुखसत करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। दानियाल आओ। बिस्मिल्लाह करें कारी साहब, दूसरी बेटी का निकाह पढ़वाएं। करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा, मेरे खुदा, खुदा ने सुन ली मेरी, पा लिया मैंने तुम्हें। उसका जितना भी शुक्र अदा करूं ना मैं, कम है। पता है, मैं जितनी मोहब्बत करता हूं ना तुमसे, उससे कई ज्यादा इज्जत है तुम्हारी मेरे दिल में। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, सिर्फ तुमसे। ये तुम छूना नहीं। क्यों ये मैं ही तो कहा ना छूना नहीं। अगर तुमने मुझे मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल ही नहीं किया तो फिर तुम शादी से इनकार ही कर देती। मैं 2 माहों का दिल तोड़ने का हौसला नहीं रखती, ना मैं आपकी माँ को मायूस करके उनकी खुशी छीन सकती थी और ना ही अपनी माँ को रोता हुआ देख सकती थी। तुमने सिर्फ उनकी खुशी की खातिर मुझसे शादी की?
निकाह का मतलब जानती हो तुम? पूरी ईमानदारी और सच्चाई से एक दूसरे को अपनाना, उम्र भर के लिए अपना आप दूसरे को सौंप देना, ये मुआहदा किसी तीसरे की खुशी के लिए नहीं किया जाता। जानती हूं। अगर जानती हो तो इस रिश्ते की बुनियाद बेईमानी पे क्यों रखी? बेईमान नहीं हूं मैं। तो फिर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सॉरी, देखो तुम्हें मुझे अपना शौहर तस्लीम करने में जितना भी वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन तब तक मुझे अपना दोस्त तो मान सकती हो ना? और तुमने मुझसे कुछ भी शेयर करना हो, अपनी खुशी गम, तुम दिल खोल के कर सकती हो। और मैं वादा करता हूं कि अगर तुम सारी जिंदगी भी मुझे अपना दोस्त ही रखना चाहो तो मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा। तेरे मर जाने साई ते जूने फ्रेंड्स मार मुकावे तू। अरे अब की बार छूं तो उसे छूना मत समझना, दोस्त की तरह तो हाथ मिला सकती हो ना मुझसे। ये बिना बात, हाँ ये ना हमारे खानदानी कंगन है, अब इन पे सिर्फ तुम्हारा हक है। रफिया चाय देने के लिए आने वाली होगी, इसलिए देखो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में जो मुआहदा हुआ है वो किसी तीसरे को पता चले। दोस्ती के नाते इतना तो कर सकती हो ना तुम, प्लीज। Thank you. माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है मेरी बहू, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेकर आती हूं। अरे नहीं नहीं ज़ैनब बहन, कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ये मेरी बहन है नफीसा और ये इनकी मुंह बोली बहन ज़ैनब। ज़ैनब
काया जान, आयशन आप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे कभी दोबारा मुलाकात भी होगी, और वो भी ऐसे खुशी के मौके पर। मैं तो खुद हैरान हूं उन दोनों को यहां देख। मैंने भी नहीं सोचा था कि यहां इस तरह मुलाकात होगी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हम आपस में रिश्तेदार हैं। अरे वाह, आप लोग रिश्तेदार हैं, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। वो भाभी और फरियानी आई? असीमा फरिया के पास दुबई में रुक गई थी, नेक्स्ट फ्लाइट में आ जाए। मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। सॉरी भाई साहब, मैं तो तारुफ ही कराने में लग गई, मुझे तो पहले आपको गेस्ट रूम दिखाना चाहिए था। बिल्कुल, आप आराम कीजिए, आइए। भाई साहब चले आइए प्लीज। आइए, एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दूर बातें मत सोचो रेदार, क्यों वहम कर रही हो तुम? वहम नहीं कर रही मैं, कुदरत एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुमने दिल में खुद बिठाया हुआ है। साइम का मेरे लिए जुनून, आपकी मोहब्बत की शिद्दत, साइम का मेरी वजह से अमेरिका जाने से इनकार कर देना, और आपका भी मेरी ही वजह से अपनी पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका जाने से इनकार कर देना, मेरी और साइम की गैर तयशुदा शादी होना, और आपके साथ भी इस तरीके से शादी हो जाना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिर्फ एक इत्तेफाक है, आपको पता है, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही मैं और साइम भी अपने वरीमे के जोड़े खरीदने गए थे। ये सब इत्तेफाकात भी तो हो सकते हैं ना। देखो, जिस तरह कुदरत ने साइम को तुमसे अलहदा किया, शायद उसी तरह हम दोनों को मिलाना चाहती है। कुदरत मुझ पे इतनी मेहरबान नहीं हो सकती। कुदरत तुम पे मेहरबान है रिदा, मेरी आंखों में देखो, जितनी मोहब्बत साइम तुमसे करता होगा उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत और शिद्दत तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही। चलो फिर आज आजमा के देखते हैं, देखते हैं कि कुदरत क्या चाहती है। कुदरत को ना आजमाए, मर जाने वाले लौट कर नहीं आते, और ना ही उनकी मोहब्बत, कहीं मेरी नहुसत का साया भी ना पड़ जाए। अच्छा, अगर तुम्हारे सारे खौफ, सारा डर दूर हो जाए, जिसे तुम नौसत कहती हो, वो मेरी खुशबख्ती बन गई, तो क्या तुम कुदरत की तरह मुझ पर मेहरबान हो जाओगी? भाभी, हमने पार्लर जाना, देर हो रही है। हाँ चलो। मैम आप बिल्कुल राइट हैं,
और आपके भाई काफ़ी टाइम से नीचे वेट कर रहे हैं, और आप चाहें तो आप नीचे चले जाएं। जैसे उनकी ज्वेलरी आएंगी हम उनको पहना कर रेडी करके नीचे भेज देंगे। क्या कहती हो रिदा, मैं चली जाऊं? भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तुम भी बस अभी आ जाओगी, दानियाल रास्ते में ही है, ज्वेलरी भी लेकर आ रहा है वो। जी जी तुम चली जाओ। मुझे बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि मौसम काफ़ी ख़राब है आज। तुम जाओ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं फिर जा रही हूँ। मैम आपका फोन। एक्सक्यूज मी मैम आपका फोन। ले आओ। मेरा फोन। सॉरी सॉरी भाई, गलती हमारा है, मैं जरा परेशानी में हूँ। मैं आपकी गाड़ी का नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा का शुक्र करना चाहिए कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो आनी आनी चीज़ है, आप जाएं, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तू तो बहुत अच्छा इंसान है।